अब हम देखेंगे फाइल किस तरह से ओपन की जाती है। फाइल ओपन करने के लिए हमें कमांड है फाइल ओपन, या फिर यहाँ पे लिखा ही हुआ है कंट्रोल ओ, या फिर इस वर्क स्पेस पर अगर हम डबल क्लिक करें तो ये सारे फाइल्स ओपन होते हैं। फाइल ओपन करने के लिए उस फाइल पर डबल क्लिक करें या किसी इमेज पर आप क्लिक करें और ओपन बटन दबाने के बाद वो पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाती है। बंद करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट में एक क्रॉस का बटन आपको दिख रहा है, वो हम दबा सकते हैं या फिर कंट्रोल W, ये उसकी शॉर्ट की है। अब हमें ज्यादा इमेजेस खोलनी है तो मैंने पहले इमेज पे क्लिक किया और शिफ्ट दबाकर अगर मैंने पांचवें इमेज पे क्लिक किया तो पांचों इमेजेस क्लिक हो चुकी है और हम उन्हें ओपन कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा वो टैब में ओपन हो रहे हैं। तो वो किस में ओपन हो रहे हैं? टैब में ओपन हो रहे हैं। हमें इसकी आदत नहीं होती क्योंकि हमने पहले फोटोशॉप CS3 का इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें अलग अलग टैब्स ओपन होते हैं। तो हमें करना क्या है, समझो हमें ये सब इस टैब में खोलना नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कंट्रोल के इस कमांड को दबाने के बाद प्रेफरेंसेस इस ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें वर्कस्पेस में ओपन डॉक्यूमेंट्स एज टैब, इसको अगर हमने ऑफ रखा और ओके दबाया, अब हम यही पांच इमेजेस दोबारा खोलते हैं। मैं इन्हें पहले बंद करता हूँ। अब हम इन पांचों इमेजेस को खोलते हैं। अब आप देखोगे कि इमेजेस अलग अलग खुल चुकी है। अगर आप गौर से देखो तो ये अलग अलग खुल चुकी है। वापस मैं कंट्रोल W प्रेस करके इन्हें बंद करता हूँ। फाइल ओपन ये कमांड दबाने के बाद अब समझो हमको एक छोड़ के एक सिलेक्ट करनी है, तब क्या करना होगा, पहले मैं इसे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबा के इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल दबा के इसे सिलेक्ट किया। अब मैं एक छोड़ के एक इस तरह से पांच इमेजेस ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए ये अलग अलग ओपन हो रही है। अब मैं इसे बंद करता हूँ। अगर आपको टैब में इसे ओपन करना है तब एडिट प्रेफरेंसेस और पहले जैसे मैंने दिखाया जनरल में आते हैं, वर्कस्पेस में जाने के बाद ओपन डॉक्यूमेंट्स एज टैब, ये पहले हमने अनचेक किया था, अभी ओपन कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक किया, ओके दबा रहा हूँ। अब मुझे ये ओपन करनी हो तो वो टैब में ओपन होंगी। आप देख सकते हैं ये टैब में ओपन हो चुकी है। वापस मैं कंट्रोल W ये कमांड दबाकर उन्हें क्लोज करता हूँ। अब मैंने इसमें से एक आध फाइल ओपन की तो ये जो नीचे दिख रहा है उसे हम उसकी इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइजेस दिखेंगे, तो इसकी साइज है 69.1 MB की ये फाइल है। उसके बाद मानो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट प्रोफाइल दबाया तो यहाँ पर निकॉन sRGB और उसके बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको जो कुछ भी चाहिए वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट में डॉक्यूमेंट साइज होती है, उसके बाद उसका जूम इन परसेंटेज भी आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। फिलहाल वो 16.67% पे है। मैं कंट्रोल 0 दबाता हूँ, अब आप देखेंगे वो 22.68% पे है। प्लीज like and subscribe our channel.